फिर से हम आपके सामने एक चीज़ अनबॉक्सिंग करेंगे स्टार्ट। तो स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे, मैं हूँ पंकज। आपके सामने एक आइटम हमने मंगवाया है अमेज़ॉन से, तो आप देख सकते हैं ये बॉक्स। मैं इसको साइड से ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने एक गैस मंगवाई है, एलिका का प्रोडक्ट है। एलिका का कुक टॉप है ये, बेसिकली आपको इस तरीके से नज़र आ जाएगा। इधर मेंशन है कुक टॉप एलिका, ये देखिए। इसकी इस बार पैकेजिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, ये देखिए इधर से सब फटा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखते हैं अंदर हमारे पास में क्या क्या आइटम सेफ निकलेगा इसमें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, वैसे तो इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए थर्मोकोल शीट लगाई हुई है, आगे पीछे लेफ्ट साइड है राइट साइड है। और पैकेजिंग तो ऑलमोस्ट हमको ठीक नज़र आ रहा है, बट एक ये पार्ट्स जो इसके स्टैंड्स जो हैं वो थोड़े से हिल रहे हैं। तो अभी जब हम इसको ओपन करके देखेंगे तब देखेंगे कि ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, अगर वो ग्लास पे लग गया होगा तो ग्लास क्रैक होने का डर रहता है। तो आइए शुरू करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। ये देखिए किस तरीके से थर्मोकोल सब टूटा हुआ है इस बार पैकेज। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें नीचे से कैसे ओपन नज़र आ रहा है और इधर से अभी कैसा नज़र आ रहा है आपको। तो अभी इसको हम ओपन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इसका इंस्टॉलेशन सर्विसेज वगैरह के लिए दिया हुआ है। वारंटी, इंस्टॉलेशन एंड सर्विस के लिए विजिट करें आपका www.myelica.in। ठीक है, और यहाँ पे आप SMS और टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, तो ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये इसके बर्नर स्टैंड हैं जो कि यहाँ पे इस तरीके से स्टॉप होते हैं, थ्री बर्नर स्टैंड्स हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी फिनिशिंग में तो काफ़ी इश्यूज हैं, मैं जैसे बता रहा था आपको। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी फिनिशिंग में यहाँ पे डैमेज है, ये स्टील प्लेट जो है इसका, ये डैमेज है। इसमें भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लग रहा है मुझे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप देखिए दोस्तों, ये बर्नर्स हैं इसके और ये इसके नॉब्स हैं, ये काफ़ी स्मूथ है वैसे, आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली ये चल रही है। ये देखिए, इसमें थ्री टाइप के बर्नर्स आपको मिलते हैं ये वाली एलिका गैस में। ये स्मॉल बर्नर है, ये बिग साइज बर्नर है और ये इसका सुपर बिग साइज है। और कोई अगर आपका कोई बड़ा यूटेंसिल है तो आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं, ये सुपर बिग साइज है। आप देख सकते हैं इन दोनों में ही कितना डिफरेंस है।
एंड ये स्मॉल साइज है। तो इन तीनों में आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको तीनों दिखाऊं तो ये देखिए, आप कंपैरिजन के लिए भी चेक कर सकते हैं। हम इसकी डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो लिंक में शेयर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्वालिटी वाइज काफ़ी ठीक लग रहा है, कोई इशू नहीं है। इसमें एक दो चीज़ें डैमेज हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो ये प्लेट है, यहाँ से देखिए प्रेस हो रखा है, जो कि मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था। और एक ये चीज़ देखिए, इसका डैमेज, ये इधर से पूरा मुड़ा हुआ है, ये इतना नीचे नहीं होता है बेसिकली, ये देखिए यहाँ से काफ़ी डैमेज है। ये इसके लेवल में होता है, अगर आप देखेंगे तो ये लेवल में होता है। आपको दूसरी साइड से कंपैरिजन के लिए मैं दिखाता हूँ, सो देट आप चेक कर सकें। ये देखिए, ये इस साइज़ के अकॉर्डिंग इधर से भी थोड़ा सा है, बट नॉर्मली ये इक्वली है उधर की तरफ से, बट उस साइड में थोड़ा बहुत ज़्यादा है डिफरेंस, ठीक है। तो यही है हमारे पास अभी एक प्रोडक्ट जिसको हमने ओपन करके दिखाया है। तो इसका रिव्यू अभी देखते हैं कि ये रिटर्न हो पाएगा, तो रिटर्न करेंगे हम इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी दो जगह से डैमेज है, तो हम इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। तो एक ये डैमेज है, एक साइड से डैमेज है, ठीक है। बर्नर्स वगैरह ऑल ओके है, ठीक है। हमने अभी इसका रिव्यूज़ वगैरह नहीं देखेंगे कि इसको हम रिटर्न कर रहे हैं क्या करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन पे, आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।